बचपन से ला रहे बेटा हम ये गाड़ी, समझ आया? नहीं जगह तो नहीं आई, ये तो बताने भूल गए। अरे यार, अरे भाई कहाँ आएगा ये बैग? ओ यार भैया जगह बनाओ थोड़ी। क्या कर रहा है भाई? दो मास थी। बच जाएंगे क्या? बच जाएंगे क्या? अब तो बच जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हम आ गए फाइनली एयरपोर्ट पे और हम जा रहे हैं अपनी फ्लाइट लेने। हमारी जो फ्लाइट है वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो हम यहाँ से पहले लेंगे फ्लाइट वाशिंगटन डीसी से हम जाएंगे वेगास। तो यहाँ से कोई डायरेक्ट फ्लाइट मिली नहीं, हमारी प्रेफरेंस से डायरेक्ट फ्लाइट लेना बट वो मिली नहीं हमें। सो वी आर ऑल सेट। आप देख सकते हैं कि हमने जो है भर भर के जो है मास्क पहन रखा। अगर ने पहने दो मास्क, मैंने पहना एक मास्क, फिर हमने सुबह से शील्ड भी पहनी और अंदर जो पहना हमने वो है N95। तो काफ़ी गंदी तरीके से उसने पैक कर रखा है, बहुत अनकंफर्टेबल है, बट इट्स वेरी मच नेसेसरी। सर छोड़ गया जूंगे। तो भाई आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब मैं ऑलमोस्ट एक साल बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि नवंबर में जब मैं इंडिया से आया था उसके बाद ट्रैवल नहीं किया। यहाँ पे जो है सिक्योरिटी पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी, यूजुअली एक बंदा भी नहीं है यहाँ पे, जो कि बहुत डिफरेंट है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ज़्यादा लोगों की, थैंक्स गिविंग का टाइम है तो फेस्टिवल टाइम है, लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, बट एक्चुअल में कोई नहीं था। भाई आज तक ऐसा कभी हो ही नहीं कि मैं सिक्योरिटी वहाँ मेरे बैग में रखवाया, वो लगता है आपको हो गया। ये देखिए, सब लोगों को लगता था कि सिर्फ मैं ही भुलक्कड़ हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सागर ही भुलक्कड़ है भाई, पूरा का पूरा बैग ही भूल गए, तो बैग ले रहे हैं वहाँ से सागर भाई। बट सिक्योरिटी वाले क्या कह रहे हैं भाई? कितने बजे थी? 5:45 AM की उबर थी, वो पहले ही रात में बुक कर दी, सुबह कई बार दिक्कत हो जाती है, तो हमें फिर उसमें बैठना ही था। और यहाँ पे आए तो भाई साहब पूरे का पूरे एयरपोर्ट खाली। दिस पॉइंट वी फील कि एयरपोर्ट ज़्यादा सेफ है मॉल से और ग्रॉसरी स्टोर से। ग्रॉसरी स्टोर में ज़्यादा भीड़ होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है दूर दूर तक, एक लड़के को छोड़ के। इतनी कहानी बोल दी मैंने, रिकॉर्डिंग नहीं की। भाई मैं 5 मिनट से बोला था सारे रिकॉर्ड बैठा नहीं हो रहा, बट मैं बोलना था उन लोगों ने जो है आप ऐसे बैठा रहे हैं कि जो एक ही पार्टी के लोग हैं उनको एक रो में बैठा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो 3 सीट पर अकेले ही बैठोगे, दो लोग हैं तो दो लोग बैठेंगे, एक सीट खाली रहेगी। तो मेरे को सागर को उन्होंने एक ही साथ कर दिया, तो हमें साथ है हमारी की। आप सकते हैं बीच में वो रख लेंगे, देगी सीट पर, वैसे भी मेरे को नीचे रखना पड़ेगा। बात ऐसी कि उन्होंने बोला भाई कि ये फिल्टर वाले मास्क पहनना अलाउड नहीं है यहाँ पे फ्लाइट के अंदर, तो ऊपर से एक और मास्क दे दिया उन्होंने। चलो मना भैया, कॉफ़ी पिए भाई, बहुत बढ़िया स्मेल आ गया। ये हमारी पहली फ्लाइट थी अभी की, और अब हम आ गए वाशिंगटन DC, द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और अब हमें इसके बाद पकड़ेंगे दूसरी फ्लाइट जो की जाएगी लास्ट वेगास। यहाँ थोड़ी ज़्यादा भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा। बॉस्टन एयरपोर्ट तो खाली था, ये तो भाई काफ़ी भरा भी था। नाइस। चल भाई बता, अगले वाले का गेट क्या है? वो अपना बोर्डिंग गेट क्या है? दिस प्रीटी गुड ब्रो। पूरे के पूरे एक कोना ढूंढा है हमने पूरे एयरपोर्ट में, और इस कोने पे बैठ के गा रहे हैं, देख सकते हैं आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं है, एंड दिस इज वेयर वी आर ईटिंग। यहाँ पे हमें अपना, अब आपको हमारी शक्ल भी थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी बिना मास्क के फाइनली। मैं स्वीट शॉप कर लेना, ये जो दिए थे इससे। हाँ फिर किसके लिए? कुछ ज़्यादा हिल रहा है आज प्लेन भाई, वैसे बैठे यूनाइटेड के प्लेन के लग गए हैं। क्या हो गया? सारे पायलट उड़ाना भूल गए, थोड़ा प्रैक्टिस दे इनको। ग्रैंड कैनियन से क्या? ऑलमोस्ट लैंड करने वाले हैं हम, और इतने बढ़िया व्यूज आ रहे हैं यहाँ से भाई, दिखाएगा एक बार ये बात। लेक है ना शायद ये, कोस्ट से तो बहुत दूर है। बहुत बड़ा लेक है।
Welcome to the fabulous. Welcome to Las Vegas. Vegas, baby. Look at that. Look at this, brother. Look at this. Look at this. Casino is starting. Look at this. तो गाइस घंटों की जो है फ्लाइट पकड़ने के बाद में हमने जो है सुबह से अराउंड 8 घंटे से हम ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि 5-5.5 घंटे की फ़्लाइट वाशिंगटन डीसी से यहाँ तक की थी, उसके पहले 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी, वो सब भसड के बाद में और उस बहुत लंबी जर्नी के बाद में हम फाइनली आ गए लास वेगास। और ये लास वेगास का ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है, मैक बोलते हैं एयरपोर्ट को, मैक्लारेन बोल लेते, चल मैक्लारेन। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि मेन टर्मिनल से ली थी हमने ट्रेन, जिसने हमें छोड़ दिया यहाँ पे, जहाँ है ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ से हमें उठानी है अब अपनी एक गाड़ी, एक बंदे को और उठाना है, एक दोस्त और है जो कि हमारा न्यूयॉर्क आने वाला था, तो उसको उठाएंगे फिर हम लंच करने जाएंगे। जैसे प्लान लगा दिए $5 यहीं पे। और भाई रेंटल कार लेना भी इतना आसान नहीं है, हमें रेंटल कार लेने के लिए यहाँ से एक बस पकड़नी पड़ेगी, वो बस सारे एक एक रेंटल कार के जो कंपनी है उनके स्टॉप पे ड्रॉप करती है, बहुत मुश्किल है भाई जिंदगी। और उस साइड खड़ी है कुछ लिमोजिन, आप देख सकते हैं पिकअप करने के लिए लोगों को लाइन से, पूरी फ्लीट है लिमोजिन की। गाइस घंटों लगा दिए आंटी ने जो वहाँ पे थी कार रेंटल वाली, आप देख सकते हैं पूरे का पूरे एरिया में सारी कार रेंटल की कंपनी है, जो भी बहुत लोग कार रेंटल करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी उठा ली है, गाड़ी हमें मिल गई है, तो हमें बस जाके पार्किंग से गाड़ी उठानी है, एक चाबी उसके अंदर ही लगी होती है यूजुअली, सो दैट्स इट। लेट्स गो, दैट शुड बी आवर कार। बेबी वेगास, बेबी क्रेजी राइट। Wow. Nice, right? Sexy. ये ले भाई, क्या रहा? और मैं डिक्की बोल रहा हूँ, मैं इधर से खींच रहा था, डाल लो भाई सामान फटाफट, और ये बवाल भी हटा दे यहाँ से, अब मेरा दिमाग खराब हो गया इसको पहन पहन के, भाई साहब इतना चुभता है, इसमें दिखता ही नहीं भाई साहब, कुछ नहीं दिखता इसके अंदर, फेंक रही जरा सही में, लौटते भी नहीं चाहिए, इसको पीछे करो, रॉन्ग बटन डाल दे, इसमें डाल दे, इसमें डालो भाई इसको, जान बढ़ गए शक्लों पे लड़कों की, ये देखो, नाउ वी अप्रिशिएट द डॉक्टर्स राइट, पूरे दिन बेचारे पहने रहते हैं, खतरनाक, दे डू 12 आवर शिफ्ट्स वेयरिंग दिस, भाई लाइट जला दे भाई थोड़ी सी, जॉयराइड बेबी जॉयराइड। बचपन से ला रहे बेटा हम ये गाड़ी, समझ आया, नहीं जगह तो नहीं आई तो बताने भूल गए। अरे यार भाई कहाँ आएगा ये बैग, ओ यार भैया जगह बनाओ थोड़ी, ये वाले हम आगे रख लेंगे, ठीक है बैठ जाओ भाई, हाँ ये भी है, लेट्स गो बॉयज, पैर फंस गया भाई, इतनी जगह है इसमें क्या कर सकते हैं हम भाई, आगे करो भाई, आगे नहीं होगी भाई इससे भैया, मैं बता रहा हूं आगे भाई, ड्राइवर को कंफर्ट होना बहुत जरूरी है, छोटे छोटे पैर हैं आगे नहीं इसको कर रहा हूं भाई, कर रहा हूं, क्या खोलना है, छत खोल लिए क्या, हां छत खोल लिए भाई, खोल गड्डी की, लड़के को सांस नहीं आ रही है भाई, पीछे शोर क्यों मच रहा है, देख यहाँ से खोल लेगा इसको, कुछ लॉक होगा भाई, फॉर नहीं ऐसी ऐसी नहीं, यही है अभी, मास्क तू पहन और पहन, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये है तो हमको है, समझा, ठीक है तेरी सेफ्टी है हमारी सेफ्टी, ये हुआ ना, चलो भाई गाड़ी खोल दीजिए, वेगास बीचेस, ठीक है बेटा हमारी अब वेगास बीचेस भाई, पहले तो नाम डालो रेस्टोरेंट का, हम जा रहे हैं देसी खाना खाने, थोड़ा फोन कनेक्ट कर दो, फोन कनेक्ट कर ले, हरियाणवी गाने हो जाए, नहीं नहीं बेसिकली सीन ये कि ये यहाँ की है मेन जगह जनता, जिसको क्यों बोलते हैं लास वेगास स्ट्रिप, स्ट्रिप, और लास वेगास स्ट्रिप पे है दोनों साइड सारे बड़े बड़े होटल, उस साइड है हमारे बेलाजियो जो अभी देख नहीं रहे, थोड़ी देर बाद में जाएंगे, रात को थोड़ा फाउंटेन शो होगा, फाउंटेन भी होगा, पीछे हमारे एक होटल है जिसको बोलते हैं पेरिस राइट, और पेरिस का वो आइफिल टावर उन्होंने पूरा का पूरा बना दिया वहाँ पे, जैसे कि आप क्लियर देखते, तो ऐसे जो है अलग अलग शहरों के दुनिया के सारे इन्होंने रेप्लिकास बना के रखे, तो आगे न्यूयॉर्क का भी है, जैसे कि ये भाई साहब आए हैं, और इनसे मिले ये हैं मिस्टर डबास, रोम रोम, पूरा नाम बताओ भाई, रोम रोम मिस्टर नितिश डबास फ्रॉम नितिश डबास, इनका यूट्यूब चैनल है वो भी देख लीजिएगा, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं गोप्रो पे, सीख रहा हूं मैं, दिस इज माय ट्रेनिंग हो जाएगी आज, फुल ट्रेनिंग हो जाएगी, ये ट्रेनिंग है इसी टाइम। भाई चले जा या खड़े हो जा, डबास जाम लगा रखा तूने यहाँ पे पूरे में, गाड़ी लॉक हो गई, गुड लेट्स गो बॉयज, क्या है ना ये खुला हुआ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, टेबल फॉर थ्री,
ओके थैंक यू. वाओ थैंक गॉड भाई खुला हुआ है. एक बार को हमें लगा कि ये बंद है लेकिन थैंकफुली खुला हुआ है भाई. व्यूज तो बहुत सॉलिड आ रही है. एयरपोर्ट है ना सामने. वाह और पीछे माउंटेन रेंज ग्रैंड कैनियंस. ग्रैंड कैनियंस बैठ जाओ भाई. ये सीट पीछे करें आपके लिए. लेट्स टेस्ट इट. तेरी मतलब की चीज़ है. मैंने देखा तेरी याद आ गई मेरे को. तेरा हाथ. अरे भाई मेरे को बहुत पसंद है. क्या बोलते हैं इसको. गोभी 65. गोभी मंचूरियन. गोभी मंचूरियन मेरे को बिल्कुल भी स्पाइसी खाने की आदत नहीं है. बहुत सही है. वो बहुत सही है. बहुत ऑयली है बट बहुत सही है. ये पूरा तो चीट मिल रहा है. चीट वीक. चीट वीक.